बोकारो की तस्वीर दिखाते हैं जहां अभिभावकों ने हंगामा किया है, और क्यों हंगामा किया है ये वजह भी बताते हैं। बोकारो में स्कूल के रवैये से परेशान अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा है। अभिभावकों का आरोप है कि रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा, और ये तस्वीरें देखिए और समझिए। अभिभावक अपनी बात कह रहे हैं, स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि आखिर किस वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। आपको बताएं कि कोरोना काल में फीस जमा नहीं करने को लेकर कई स्कूलों ने बहुत मनमाना रवैया दिखाया, सरकार ने सख्ती भी बरती, ये कहा गया कि फीस मैंडेटरी नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए और सिर्फ ट्यूशन फी की बात कही गई थी, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो अब भी मनमाना रवैया अपना रहे हैं, और इसी में जिन अभिभावकों ने फीस जमा नहीं किया उन बच्चों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं, और इसी को लेकर देखिए अभिभावक स्कूल पहुंचे हैं, और ये बोकारो की तस्वीर है, अभिभावक हंगामा कर रहे हैं, ये मांग है स्कूल प्रबंधन से कि आप बच्चों के रिजल्ट दें। कोरोना काल में सरकार ने बहुत सारी रियायतें दी, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जिससे अभिभावकों को थोड़ी राहत मिल सके, कई लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, रोजगार का जरिया छिन गया, ऐसे में ये फैसला लिया गया कि बच्चों की पढ़ाई कम से कम बाधित ना हो, तो स्कूलों से रियायत देने की बात कही गई थी। लेकिन ये वो अभिभावक है जिन्होंने अपने बच्चों की फी जमा नहीं की, तो इसकी वजह से बच्चों का रिजल्ट उन्हें नहीं दिया गया है। ये तस्वीरें बोकारो से जहां अभिभावकों ने हंगामा किया है, स्कूल में जाकर रिजल्ट नहीं दिया गया है इन अभिभावकों को, इनके बच्चों का रिजल्ट से पहले फीस जमा करने की मांग कर रहा है स्कूल प्रबंधन कि अगर फीस पूरी जमा करेंगे उसके बाद ही आपके हाथ में बच्चों के रिजल्ट थमाए जाएंगे, जिसके बाद आक्रोशित अभिभावक पहुंचे हैं। ये देखिए बोकारो के डीएवी पब्लिक स्कूल की ये तस्वीर है जहां पर स्कूल का मनमाना रवैया और अभिभावकों का आक्रोश, ये तस्वीर बोकारो से। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आदमी को, तो परेशानी मैम को समझना ना चाहिए। जो आदमी फी था, जो जांच पैसा रहेगा वही ना देगा। जांच पैसा में भी एक्टिविटी चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, फलाना चार्ज सब जोड़ के ले लिए, वो भी आदमी दे दिया 2475 रुपया वन क्लास का मेरा बाबू का फी है, फिर भी हम मुँह भर दिए, फिर भी री एडमिशन कौन हिसाब से देंगे। पेर में पैसा थोड़ी हो रहा है कि री एडमिशन अभी का दीजिए, फिर पिछले साल वाला री एडमिशन दीजिए। क्या बोल रहा है, पिछले साल का री एडमिशन मांगती है UKG 7 में जो प्रमोट किए, तो पिछले साल का कहां से आदमी, उस तो कोरोना काल चल रहा था तो कहां से देगा री एडमिशन। दिखाने के लिए मांगा गया तो कोई दिया ही नहीं तो। आज आप आए तो क्या हुआ यहां पे स्कूल में, आज हम आए तो बोले कि मार्च तक फी क्लियर करिए और पिछले साल वाला री एडमिशन दीजिए, मार्कशीट भी नहीं दी है, और फिर उसके बाद बोल दिया कि फिर अप्रैल में आइए, फिर नेक्स्ट में जो प्रमोट किए आपका बेटा को 1 से 2 में वो वाला जमा करिए, तो एक बार में 50,000 लोग कहां से लाएगा। कोई नियम में नियम थोड़ी है, आप बन जाइए, हम लोग रोड पर आ जाए। क्या चाहते हैं आप लोग, हम लोग री एडमिशन नहीं देंगे, कोई कीमत पे नहीं देंगे, उदय चाहे मत दे, ठीक है, हम अपना बच्चा को दूसरा स्कूल में एडमिशन करा लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर। सुरेंद्र, सरकार ने यह साफ तौर पर निर्देश दिया था कि री एडमिशन और जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं वो सब हटा के सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी ही स्कूल प्रबंधन के लिए मान्य होगा और यही अभिभावक से लिए जाएंगे। बावजूद इसके ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां पर इस तरह का मनमाना रवैया दिख रहा है, और अब देखिए इन अभिभावकों के लिए तो परेशानी है, पूरी फीस जमा करने की मांग है, अगर फीस नहीं दी तो रिजल्ट नहीं देंगे। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, अगर सिर्फ ट्यूशन फीस रहता तो सभी अभिभावकों ने मार्च तक का ट्यूशन फीस भी दे दिया है, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन इन लोगों से कह रहा है कि अन्य फीस के अलावा री एडमिशन भी फीस दिया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन पूर्व में भी संजय बियर्स में ही हंगामा हुआ था, और यहाँ का जो SDM उन्होंने साफ तौर से सरकार के आदेश के आरोप में कहा था कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेना है, बावजूद उसके यहाँ के जो स्कूल प्रबंधन है सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, यहाँ के जो डीएम है उनकी भी बात नहीं मानी जा रही है, और जिस तरह से अभिभावकों को परेशानी हो रही है काफी हो रही है। हालांकि तब रिजल्ट के लिए बुलाया जाता है और लोगों को यहाँ पर जमा किया जाता है, सुबह से ही लोग आए हैं, घंटों से हंगामा चल रहा है यहाँ पर, अभी 4 CO आए, जिस तरह से उन्होंने पेरेंट्स से बात किया, साफ तौर से कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम डंडा चलाएंगे, ये कहना है CO दिलीप कुमार का, जो 4 CO है। तो आप ही बताइए कि ऐसे में परिजन क्या करें, बच्चों को पढ़ाना है, कोरोना का काल था, सरकार का आदेश है,
सभी की अवहेलना कर रहे हैं। ये सवाल हम दोबारा जानना चाहेंगे और ये मैसेज पूरे दर्शकों तक हमारे जाने चाहिए। क्या सीओ ने अभिभावकों के खिलाफ ये बयान दिया है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर डंडे चलाकर कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, आते आते उनका साफ तौर से कहना था, चूंकि अभिभावक आक्रोशित थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, वो हल्ला कर रहे थे और चार सीओ साफ तौर से उन्होंने कहा कि अगर आप हल्ला करेंगे तो मुझे डंडा चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने आया हूँ। आप बताइए, जहाँ पर हजारों अभिभावक हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, ऐसे में उनका बयान कहीं ना कहीं साफ तौर से दर्शाता है कि ये जो आए हैं वो स्कूल के प्रबंधन के पक्ष में उन बातें रख रहे हैं। चूंकि यहाँ सुबह से लोग हैं, काफी परेशान है, चूंकि सभी ने जिस तरह से लोगों ने बताया कि हम मार्च तक का फीस दे दिए हैं, स्कूल अप्रैल का फीस मांग रहा है, री एडमिशन मांग रहा है, अन्य चार्ज मांग रहा है, तो ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि सरकार का आदेश भी यही है कि सिर्फ ट्यूशन फी लेना। चलिए चलिए सुरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स इस मामले में और भी लेंगे, लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद है कि एक तरफ सरकार स्कूल प्रबंधन की मनमानी रोकने के लिए नए नियम कानून जारी करती है और उसी कानून को लॉ एंड ऑर्डर का नाम देकर अभिभावकों पर ही डंडे चलाने की धमकी देते नजर आए हैं सीओ वहां पर। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सुरेंद्र। तो ये बोकारो की तस्वीर जहां अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि मार्च तक मिसलेनियस फी और री एडमिशन के चार्ज समेत पूरी फी जमा करें, उसके बाद ही अगले क्लास में जाने का प्रमोशन लेटर यानी रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे अभिभावक आक्रोशित है और डीएवी पब्लिक स्कूल में जमकर हंगामा किया है।